सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस निर्माण सहित मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर एबीवीपी ने सीओ प्रशासन का पुतला जलाया और नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ता 13 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, वहीं क्रमिक भूख हड़ताल भी पिछले 6 दिनों से जारी है। छठे दिन एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री बलबीर तथा हेमंत भूख हड़ताल पर बैठे। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के इकाई अध्यक्ष वैभव ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर राजनेताओं के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का एक अवसर बना हुआ है। चाहे पूर्व की सरकार हो या वर्तमान सरकार, चुनाव के समय सभी पार्टियां सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगाकर जनता के वोटों को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े वायदे करती है कि उनके राज में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकर ही रहेगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे वादे भूल जाती है। कांगड़ा विभाग संयोजक अभिषेक राणा ने कहा कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था, लेकिन सांसद बनने के बाद लगता है वे ड्रीम प्रोजेक्ट की परिभाषा भी भूल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तथा विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक विद्यार्थी परिषद अपना संघर्ष इसी तरह जारी रखेगा। जो है आपका चला हुआ बलवीर प्रांत सहमंत्री विद्यार्थी परिषद, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पिछले 13 दिनों से जो विद्यार्थी परिषद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगातार अनिश्चितकालीन धरना जो हमारा चला और क्रमिक भुगतान को आए 6 दिन हो गए, परंतु जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है बीसी और रजिस्ट्रार है वो 12 दिन से 13 दिन से जो कैंपस के अंदर नहीं आए और बच्चों की मूलभूत सुविधाएँ जो लाइब्रेरी हो गया, कंटीन हो गई, हॉस्टल हो गया, ऐसी कई अन्य जो जो मूलभूत सुविधाएँ जो विद्यार्थी परिषद उनसे जो है मतलब उनसे मांग कर रहे जो आप हमसे आए बातें करें, परंतु मजबूर जो विद्यार्थी परिषद की जो है यहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो पुतला दहन करना पड़ा। इस प्रशासन का जो निकम्मा प्रशासन है जो अपने घरों से जो आज पूरे इस कैंपस को चला रहा है, जो विद्यार्थी परिषद और आम छात्र जो है अपनी मूल सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो वह कैंपस बंद कर देते हैं। हम अगर इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसका रवैया इसी तरह से रहा तो आने वाले टाइम में जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन और जितने भी अधिकारी जो यहाँ पर है वो ध्यान मतलब वो एक बात सुन ले, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो विद्यार्थी परिषद के उग्र आंदोलन के लिए जो है तैयार रहें, और ये विद्यार्थी परिषद की चेतावनी है।